नमस्कार, मीनूज जायका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बारिश का मौसम आ गया है और जब अच्छी बारिश हो रही हो तो मन करता है कि हम पकौड़े खाएं। दूसरी तरफ हमारा मन करता है नहीं यार, इतने तेल वाली चीज कौन खाएगा। तो इस प्रॉब्लम का समाधान मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल लेस ऑयल वाले पकौड़े हैं। आप इनको बेफिक्री के साथ बना करके और बेफिक्री के साथ खा सकते हैं और अपनी बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। चाय का ग्लास हो और ये बिना तेल के, कम तेल के बने हुए पकौड़े हों तो मज़ा ही आ जाता है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना तले हुए पकौड़े बनाने के लिए मैंने ये कैप्सिकम, टमाटर और प्याज लिए हैं। अब हमें इसको इस तरह से काटना है। प्याज मैंने अच्छे तरह से छील करके और धो लिए हैं, टमाटर भी बहुत अच्छे से, कैप्सिकम भी सब अच्छे से बहुत धो लिए हैं। अब हमें इनके रिंग्स बनाने हैं। तो जैसे ये प्याज मैंने ली, इस प्याज को हम थोड़ा सा मोटा, सैलेड में तो हम पतला काटते हैं लेकिन इसमें हम इसको थोड़ा मोटा काटेंगे। ये देखिए, सब मैंने काट ली एक प्याज। अब इसके जो ये इस तरह से हम छल्ले निकाल लेंगे बड़े बड़े, और जो आगे पीछे का छोटा प्याज रह गया इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम बारीक बारीक काट करके अपना जो हम बेसन का बैटर बनाएंगे उसके अंदर डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसके छल्ले निकाल लेंगे। ये देखिए, प्याज के छल्ले हमारे बन गए। इसी तरह हम टमाटर के भी थोड़े मोटे मोटे इसके छल्ले काट लेंगे, रिंग्स काट लेंगे। और ये जो इसका गूदे वाला हिस्सा है इसको हम खाली कर लेंगे। इस तरह हम सारे टमाटर के रिंग्स तैयार कर लेंगे। ये टमाटर के रिंग्स भी हमारे तैयार हो गए। अब हम बनाएंगे कैप्सिकम के रिंग्स। तो मैंने कैप्सिकम लिया और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं काट करके डिस्कार्ड कर दूंगी, और इसका भी बीच वाला हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है वो सब मैं निकाल दूंगी। देखिए, शिमला मिर्च के बीच में से मैंने बीज निकाल दिए और इसको भी हम मोटे मोटे रिंग्स इसके दो बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह के इसके हम रिंग्स बना लेंगे। इसको भी पीछे से काट के इसका भी रिंग बना लेंगे। इस तरह हम सारे प्याज, टमाटर और कैप्सिकम जितनी हमारी ज़रूरत हो उतने हम उसके रिंग्स बना लेंगे। बिना फ्राई के जो हम पकौड़े बनाएंगे उसके लिए हमने अपनी वेजीज तो काट लिए हैं, कैप्सिकम के रिंग्स बना लिए, अनियन के बना लिए, टोमेटो के बना लिए, और अब हम अपना बनाएंगे बेसन का बैटर। पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए मैंने 3/4 कप बेसन लिया है। आप अपनी कोई भी घर की कटोरी ले लीजिए, उसको 3/4 भर लीजिए, और उसी ये और 1/4 कप मैंने लिया चावल का आटा, और उसी कटोरी से फिर आप चौथाई कटोरी चावल का आटा ले लीजिए। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें अरारोट डाल सकते हैं या इसमें कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े प्याज के बच गए थे ना, उसको मैंने बारीक काट लिया, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 2 हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया है, वो पेस्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आधा पेस्ट डाल रही हूँ मैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ हरी मिर्च बारीक काट करके डाल लीजिए। थोड़े से मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, जिसका मैंने बीज का जो बीज वाला हिस्सा होता है वो निकाल दिया है, टमाटर मैंने डाल दिए। और थोड़े से मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटे हुए पनीर, मैंने क्यूब्स में इसको काट लिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना इन सब के साथ भी बहुत टेस्टी पकौड़े बनते हैं। बस वो पनीर वाले पकौड़ों का भी टेस्ट आ जाएगा, इसलिए मैंने ये पनीर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम डालते हैं इसमें मसाले। ये मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए नमक। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च डाली है। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे हर चीज़ का टेस्ट एकदम अच्छा हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वह ड्राई मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बनाएंगे। बैटर ना हमें बहुत गाढ़ा बनाना है ना हमें बहुत पतला बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका बैटर बना लीजिए मीडियम कंसिस्टेंसी का। ये देखिए, सब मैंने मिक्स कर दिया, बैटर बना दिया। अब इसमें 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ इनो पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें नहीं तो ना डालें। और ये इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की हमको रखनी है, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो, ऐसा बैटर हमको तैयार करना है। अब इस बैटर को मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ दूँगी।
ये मैंने गैस पे डोसे वाला तवा रख दिया है, इसको अब हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं। बहुत लेस ऑयल में ये हमारी रेसिपी बनके तैयार होती है, इसीलिए इसको बिना तले हुए पकौड़े कहा जाता है। और खाने में तो ये इतनी टेस्टी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिना तले हुए पकौड़े बन करके तैयार हुए। सुबह के नाश्ते में बनाने हो या फिर शाम को चाय के साथ बनाने हो, कभी भी बारिश हो रही हो, पकौड़े खाने का मन कर रहा हो, तो आप इनको बना सकते हैं। अब हमने जो प्याज टमाटर और कैप्सिकम के रिंग्स बनाए थे वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अभी मैंने गैस स्लो पे कर रखी है, जो रिंग्स हमने बनाए थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और बेसन को भी खूब अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और फेंटने के बाद अब ये जो हमने बैटर बनाया है वो बैटर हम इसके बीच में डाल देंगे। खूब अच्छे से डाल दीजिए। इस सब रिंग्स के ऊपर मैंने जो बेसन का बैटर अपन ने तैयार किया था वो डाल दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। और इसको स्लो गैस पे हम एक तरफ से सिकने देंगे और फिर इसको पलट करके सेक लेंगे। हम चेक कर लेते हैं कि पीछे से हमारे ये पकौड़े सिके हैं कि नहीं। उससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक एक दो दो ड्रॉप ऑयल डाल देती हूँ ताकि दूसरी तरफ से पलट करके हम जब सेकेंगे तो अच्छे से ये सिक जाए। बस बिल्कुल एक एक दो दो ड्रॉप ऑयल डालना है, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। लेस ऑयल की रेसिपी है ये। जो बहुत कॉन्शियस लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ऑयल नहीं खाना चाहते हैं, वो भी इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा सिक गया है। और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए टमाटर, ये देखिए एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक गए। इसी तरह हम इसको सबको पलट लेंगे और पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये मैंने सारे पलट दिए हैं, हमारे जो पकौड़े वाले रिंग्स हैं, देखिए कितना गोल्डन ब्राउन सा कितना अच्छा कलर आया है। और दूसरी तरफ से भी इसको इस तरह दबा दबा के हम सेक लेंगे ताकि हमारा जो बेसन का बैटर हमने भरा है वो बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर सिक जाए। और प्याज तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि थोड़ी सी कैरेमलाइज हो जाती है, तो इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा हो जाता है। टमाटर, कैप्सिकम, प्याज, ये तीनों के ही पकौड़े इसके इस तरह से बनाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए बिना तले हुए पकौड़े हमारे बनकर तैयार हैं। दोनों तरफ से मैंने बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे इनको सेक लिया है। और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस मैंने ऑफ कर देती है और इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे बिना तले हुए पकौड़े प्याज के, टमाटर के, कैप्सिकम के बनके बिल्कुल तैयार है, जिनको मैंने हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।